वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आप लोग के सामने हाजिर है फिर से एसएससी एमटीएस जीके मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन के साथ सीट टू का। ये 22 तारीख का है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो था कि इन विच ईयर बंगाल पार्टीशन ऑकर्ड, किस साल में हुआ था? वो हुआ था 1905 में। ओके इससे पहले के सेट में, ओके इससे पहले दिन के उसमें पूछा था कौन वाइसरी है। ओके तो उस समय आया था लॉर्ड कर्जन। देखिए घुमा फिरा के एक ही चीज से घुमा रहा है बात को। एक में पूछा था कि बंगाल का पार्टीशन के समय कौन सा वाइसरी था, तो लॉर्ड कर्जन। और अभी पूछ रहा है क्या कि ये किस साल में हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा, डबल धमाका भी इसमें फिर से आपको मिलेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि मैथ में ज्योमेट्री से कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ओके और कुछ एक्स्ट्रा आपको रूल भी उसका बता दूंगा, ओके कि जिससे आगे के एग्जाम के लिए भी आपको अच्छा हो जाए। ओके चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों की द स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज, तो इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? हेमेटोलॉजी। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि देखिए आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पे आपका होता है इक्वेटर। ओके इसके जस्ट 23.5 डिग्री पे होता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ में, नॉर्थ में। ओके नॉर्थ के साइड में होता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वही 23.5 में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके तो यहां पूछा था देखिए 23.5 डिग्री पे, ठीक ना, लैटिट्यूड में नॉर्थ के साइड में क्या है, तो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ में। अगर साउथ पूछा रहता तो यहां पे अगर साउथ पूछ दे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ऑल द गुड एंड सर्विस इन वन ईयर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों चलिए तो डबल धमाका के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ओके इसके बाद जो भी और क्वेश्चन बचा होगा जीके का उसको हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ओके तो इसमें देखिए कि एमटीएस में जो क्वेश्चन आ रहा है ज्योमेट्री से, उसके लिए मैंने ये बनाया है और बहुत ही अच्छा से बनाया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इससे आपका सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था, अभी सीएचएसएल आने वाला उसमें भी हेल्प हो जाएगा, और अभी जिनका एमटीएस बाकी है एग्जाम, ओके अक्टूबर में, उनको भी बहुत ही हेल्प होगा। क्योंकि एक रूल अगर आपको बता दे दोस्तों हो सकता है कि दूसरा रूल से पूछ दे, तो रिक्स नहीं लेना, इसलिए मैं तीनों रूल इसमें रख दिया हूं। ओके कि कोई तरह का रिक्स का बात ना हो, आप ध्यान से बस सुनिएगा मेरे बात को। सबसे पहला रूल देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहां पे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है क्या बी पे, ठीक है। बोला डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके दोस्तों क्या बोला है कि डी इज द मिड पॉइंट, ये है ना मिड पॉइंट पे एसी का। उस केस में क्या होता है कि इसका लेंथ बीडी का लेंथ क्या होता है? 1/2 ऑफ एसी। अब बोलेंगे ठीक है भाई ये तो नॉर्मल है, अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन ये क्यों इतना आपको हम फोर्स कर रहे हैं? यहां पे आप ध्यान दीजिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ध्यान से ये चीज को दिमाग में रख लीजिए कि जब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा क्वेश्चन हो कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और जो BD का लेंथ अगर निकालने बोले और उस समय D को अगर बोले कि D मिड पॉइंट है, क्या है? D इज द मिड पॉइंट। किस सिचुएशन में? ध्यान से देखिएगा, इसमें SSC सीजीएल में बहुत सारे दोस्तों ने गड़बड़ किया। ओके अगर D अगर बोले कि मिड पॉइंट है तो क्या करना है? तब के केस के लिए ये है वैलिड कि BD का ये X का लेंथ कितना हो जाएगा? ये AC का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। ओके जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एक आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ABC। चलिए इसको यहां देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए जैसे बोल दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है ABC, B 90 डिग्री है, ठीक है, यहां से एक लाइन गया, ओके परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर नहीं, ये जो लाइन गया ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, बस इतना आपको दिया रहेगा कि D इज द मिड पॉइंट। ओके आपको दिया हुआ कि AB का लेंथ दिया आपको 3 और BC का दिया 4, तो आपको बोला है कि बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD,
ठीक है। तो इस केस में याद रखिए, जब बोले कि डी मिड पॉइंट है तब आप सीधे पाइथागोरस थ्योरम से ये तो पता कर लीजिए कि 5 है, तो मतलब 5/2 आंसर होगा। ठीक है, बार बार आपको बोल रहे हैं डी अगर मिड पॉइंट है तो। अब देखिए क्यों ऐसा बोल रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसमें भी वही चीज है, सेम चीज है, 90 डिग्री बी पे है, यहां से बीडी एक खींचा गया, ठीक है ना। लेकिन इस जगह पे जो बोला जा रहा है वो डी को बोला जा रहा है कि डी मिड पॉइंट नहीं है। क्या है? मिड पॉइंट नहीं है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखिए यहां पर के मिड पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, आपको क्या सीधा बोला गया कि ये परपेंडिकुलर है, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। याद रखिए कि डी को मिड पॉइंट नहीं बोला गया है। जब आपको परपेंडिकुलर बताए कि बीडी परपेंडिकुलर है डीसी, उस केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है भैया? तो देखिए पी इंटू बी परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला लगाते हैं बीडी का लेंथ के लिए। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सपोज जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन, भैया यहां से हम गिरा, ये 90 डिग्री है, ये डी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। फिगर भी नहीं दिया रहेगा आपको, सीधे क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें अगर आपको बोला हुआ है कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बताइए बी डी का लेंथ क्या होगा। तब आप क्या कीजिएगा, आप इसको निकालेंगे 5, पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, रूट अंडर कर दीजिए तो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आ गया आपका। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, जब बोला है कि डी बीडी परपेंडिकुलर, उस केस में क्या होता है कि पी इंटू बी मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई एच 5 मतलब 12/5 आंसर होगा। ठीक है, बट इसी केस में अगर बोले कि भैया डी मिड पॉइंट है तो कुछ नहीं करना, बस 5/2 आंसर। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया? सेम टू सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, बस खाली एक चीज में डिफरेंस है कि इसमें बोलता है कि डी मिड पॉइंट है, उसमें बोलता है कि डी परपेंडिकुलर है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे। एकदम आप बता रहे, प्रीवियस ईयर में आप चेक कर सकते हैं और एमटीएस में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, किससे पूछा वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखिएगा मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर दोनों में डिफरेंस है, फॉर्मूला में क्या अंतर हो जा रहा है। मिड पॉइंट के केस में डायरेक्ट हाइपोटेनस का हाइपोटेनस बाई 2 कर दीजिएगा इन केस ऑफ मिड पॉइंट। जब आपको बोलेगा परपेंडिकुलर तो क्या कीजिएगा, पी इंटू बी मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई हाइपोटेनस। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला भैया, यहां क्वेश्चन आपको बोला है कि एसी, इफ एसी इज 13 एंड डीसी इज 4, डीसी इज 4, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीडी इफ डी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑन एसी। ठीक है ना, अगर बोल दिया कि ये मिड पॉइंट पे नहीं है, मिड पॉइंट पे नहीं है, तब के केस में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो क्या करना है इसमें, देखिए दोस्तों यहां पे गड़बड़, एसी 13 दिया हुआ, सॉरी इसके लिए ये पूरा 13 है, एसी 13 दिया हुआ है। ओके, यहां 13 नहीं, ये एसी 13 है। ओके, तो देखिए इस केस में क्या करना है, देखिए डीसी अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये एक तीसरा रूल है, रूल नंबर 3, ठीक है, दो रूल आपको बता दिए, ये तीसरा रूल है। देखिए इस केस में क्या होता है, फिर से मिड पॉइंट नहीं है, बोला है परपेंडिकुलर केवल। देखिए ये 13 है, ये पूरा 13, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 9, ओके, मतलब एडी कितना होगा, 9 है ना, पूरा 13 है दिया हुआ, एसी 13 मतलब यहां से यहां तक 13 है और ये 4 है तो ये 9 हो गया। तो इस केस में हमेशा याद रखिए कि बीडी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एडी इंटू डीसी, याद रहेगा क्या होता है, एडी इंटू डीसी, ये रूल 3 है, आपको याद रखना है। ये भी कब अप्लाई होगा दोस्तों, जब डी मिड पॉइंट पे नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा बीडी एसी पे, इस केस में ये यूज करेंगे।
अब आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि भैया एक और ऊपर आप सिखाए ऐसा ही परपेंडिकुलर वाला, उसमें और इसमें अंतर क्या हो गया? देखिए उसमें क्या होता था कि ये साइड दिया रहता था, देन आपको निकालना रहता था तो इजिली निकाल देते थे। लेकिन इस केस में कब यूज करना है? जब आपको ये एसी पूरा दिया हो, एक कोई और पार्ट दिया हो तब आपको निकालना है, या ये दोनों पार्ट दिया हुआ तब आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो आपको समझना हो किस टाइप का क्वेश्चन के पैटर्न में हम कब यूज करेंगे, तो ये भी आपको परपेंडिकुलर के केस के लिए है। पक्का है? होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा चौथा आपके पास, चौथा रूल क्या बोलता है दोस्तों? देखिए इसमें बोला कि फाइंड द इन रेडियस। ओके, जब भी आपको बोले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बनाए हुए, तो वो जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, आर बराबर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, पी परपेंडिकुलर पी प्लस बी, ये बेस बी, अब माइनस एच बाई टू। याद हो गया? फिर से देखिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आर जो इन रेडियस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस एच बाई टू, मतलब हाइपोटेन्यूज बाई टू। समझ गए किस केस के लिए? जब अंदर सर्कल बना हुआ, इन सर्कल, एक सर्कल बना हुआ था, इन रेडियस के बारे में आपको निकालना है। ये देखिए ये बना हुआ सर्कल, ये आर निकालना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए 4p है प्लस 3b है, माइनस क्या होगा, हाइपोटेनस बाई टू। कितना आया दोस्तों? तो आपके पास आया 2 बाई टू बराबर 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1। ये भी कौन सा रेडियस है? इन रेडियस, ठीक है? होप आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज दोस्तों इसी में अगर क्वेश्चन को ऐसा कर देता, ध्यान देखिए, समझ गए, इसको मिटा दे। ओके, सपोज इसी में अगर ऐसा कर देता दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ गया है इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आया है। ओके, देखिए अगर सपोज इसको ऐसे हम बना देते हैं, सरकम सर्कल, इसका नाम क्या है, सरकम सर्कल, सॉरी सर्कल का सर्कल। देखिए अगर सरकम सर्कल बना देते तो पूछते कि भाई सरकम सर्कल का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सरकम सर्कल बनता है तो उसका रेडियस क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा, दैट इज 5/2। याद हो गया, लर्न। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला था जो हम आपके साथ शेयर किए। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा ताकि हम इस पर और अच्छा से वीडियो बना सके। और दोस्तों अगर आपको कुछ लगता है कि सर ऐसे आपको पढ़ाना चाहिए या ये गलत चीज हो रहा है या ऐसे करते तो अच्छा रहता, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। ओके, आप बताइएगा तब हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या खराबी हो रहा है, क्या आपको कुछ गलत हो जा रहा है, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा तब तो हमको पता चलेगा। ओके, तो प्लीज कमेंट करिए और हमको सजेस्ट कीजिए कि सर क्या करना चाहिए और आपको क्या वीडियो चाहिए, वो भी आप लिखिए उसमें। ओके, और शेयर जितना कर सकते उतना शेयर कीजिए। चलिए फिर से अपने जीके के क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जीके क्वेश्चन शिफ्ट टू में आया था, विच विटामिन हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये हम लोग जानते हैं ये कौन सा होता है, विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है हमारा। ओके, जब कट बढ़ जाता है तो खून एक एक देखते ना बहना रुक जाता है। ओके, तो वो विटामिन के चलते होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट क्या है फ्लावर का, सेपल। ओके, याद रखिए क्या है, सेपल, ये बायोलॉजी से था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेन हुड अ टेल ऑफ क्रिस्ट, तो ये कौन थे, लुइस वैलेस। ओके, ये बुक को लिखने वाले कौन थे, लुइस वैलेस। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड रेजर, रेजर का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों ये थे किंग कैंप जिलेट। जिलेट का आता है ना हमारे पास ब्लेड। ओके, तो किंग कैंप जिलेट।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है आपका तामू कवाले क्रिगोन फ्रेंडशिप रोड, ठीक ना। ये फ्रेंडशिप रोड किस दो कंट्री के बीच में है? तो एक इंडिया आपको दिया हुआ है, आपको दूसरा कंट्री का नाम बताना है, तो ये है म्यांमार के साथ। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चला जाए। चलिए नेक्स्ट आपका हु गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड 2017, 2017 में किसे मिला है? तो ये रेसलिंग में मिला है रोशन लाल को। किसको मिला है? रोशन लाल को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन वर्च्यू ऑफ मोशन? दैट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते और क्या क्या हमारे पास है। दोस्तों इंग्लिश से हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग में दो आया था जो हमको मिला, एसेंशियल एंड हेडेक। ओके एंड एंटोनम और सिनोनिम्स में क्या है? फेयरलेस एंड टाइम्ड। ओके तो ये दोनों को हम, ये जितना भी इंग्लिश का ये है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे इंग्लिश को केवल, ठीक है। और जो भी कुछ रूल है हमारे पास एरर का वो पूरा उसमें हम लोग डाल देंगे, तो वो जो इंग्लिश का है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें हम एरर का पूरा रूल डाल रहे हैं, एज अ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जितना रूल अभी तक हमने सारे लेक्चर में मिला के बताया वो पूरा कंबाइंड उसमें हम डाल देंगे। ओके तो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।